रंग जाऊं तेरे रंग में, मैं रंग जाऊं तेरे रंग में। ये लड़की लखनऊ के सिटी कॉलेज में पढ़ी है, पर इसका कॉलेज और क्लास क्लियर नहीं है। तारा, ये सब क्या है? हाँ, कहाँ थी तू? और ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हाँ, वो दादी माँ, वो मंदिर की सीढ़ियों से फिसल गई थी ना, तो बस तो वहाँ चार गंदी हो गई ना मिट्टी। भगवान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, अरे ये देखो, चलो चलो हमारे साथ चलो, तुम आओ अंदर। ठीक है बेटा, हम आपको बुलाते हैं। हाँ? दादू, तो अब हम इसके कॉलेज में ही जाकर कुछ पता लगा पाएंगे, है ना? बात तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप दिव्यांग बच्चा, हम भी आपके साथ चलते हैं कॉलेज। जी चलिए। ये देखो, ये सब क्या है? ये देखो। अरे पूछी, मैं ठीक हूँ, पूछी मुझे बाहर जाने दो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो, देखने तो दो हमें, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? अरे वो बस थोड़ी सी धूल लग गई है, और मुझे सच में ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। आप मुझे बाहर तो जाने दो, बाहर देखने मुझे बात। अरे देखो तो तुम्हारे कपड़े सब खराब हो गए। मुझे जानना है कि देवयानी की अगली चाल क्या है, कौन था वो आदमी? तारा तो ठीक तो है ना, चोट तो नहीं आई ना ज्यादा? दादी मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है। देवयानी कहाँ है? नहीं, वो एक्चुअली हमें इस वक्त उसके साथ होना चाहिए ना, उसकी मदद करने के लिए। उसे इस टाइम पर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसीलिए पूछ रही हूँ। तारा बेटा तू फिक्र मत कर, तेरे दादू गए हैं ना उसके साथ, वो सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कहाँ चली गई, बताया भी नहीं उसने। हम है ना उसकी मदद करने के लिए, बिना बताए कैसे जा सकती है? अरे पर तू ऐसे कैसे बोल रही है, क्या हुआ, तुझे क्यों साथ जाना था? अरे मदद करती, आप लोगों ने कहा था ना कि फैमिली फैमिली के काम आती है, और मैं तो उसकी बहन हूँ। दद्दू ने देखा ना कितना डांटा था मुझे, बस इसीलिए। उसकी जरूरत नहीं है बेटा, वो लोग संभाल लेंगे सब कुछ। पर फिर भी वो लोग गए कहाँ हैं? वो दोनों किसी कॉलेज गए हैं, कुछ पता चला है। जैसे कुछ ठोस जानकारी पता चलेगी ना, वो लोग बता देंगे। तारा बेटा तू चिंता मत कर, तेरे दादू है ना साथ में, वो सब कुछ संभाल लेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अगर माया के बारे में कुछ पता चल गया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे इसका कुछ करना होगा। देखिए इस तरह हम आपको किसी भी स्टूडेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते जब तक कि हमारे पास उसका पूरा नाम, पता और साल ना। वैसे भी हमारे पास कंप्यूटर में सारी जानकारी फीड नहीं है। देखिए आप बात को समझ नहीं रहे, कि किसी की जिंदगी का सवाल है तो, वरना हम आपको इतना परेशानी नहीं करते। आप प्लीज कोई कुछ कुछ मदद कर दीजिए हमारी। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि आपका परिवार है, बच्चा है, ये बच्चा लोग खाते हैं, ये मिठाई रख लीजिए, कोई बात नहीं, बच्चों की मिठाई के लिए है, रख लीजिए। ठीक है, वो सामने सभी स्टूडेंट्स की फाइल है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू दादा।
हमें किसी भी तरह उस माया को रुद्र जी को नुकसान पहुंचाने से पहले ही रोकना होगा। मदद कीजिए माता रानी, हमारी और परीक्षा मत लीजिए, मदद कीजिए हमारी। तरीके से मेरे वश में हो रुद्र, पर तुम सामने से अभी तक मेरे पास नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेके नहीं जा सकती। हम बस एक ही तरीके से एक हो सकते हैं, जब तुम खुद अपने जान की आहुति दोगे। दो दिन बाद अमावस्या की बहुत बड़ी रात है, और उस दिन तुम खुद अपनी जान लोगे। उसके बाद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मेरी तरह तुम भी तो यही चाहते थे ना रुद्र, कि तुम मेरे बनकर हमेशा मेरे साथ रहो। दादू, एक ही क्लास में थे। सही कहा आपने बचवा, हम वहां देखते। अरे लेकिन आप लोग ढूंढ के आ रहे हैं, बताइए तो। आप दोनों बताएंगे हमें कि आप लोग ढूंढ के आ रहे हैं। मिल गया, मिल गया। दिव्यानी बच्चा, ये देखिए, ये बहुत पुराना सा एल्बम है, देखिएगा ये मका। बताओ अभी दोनों कि क्या ढूंढ रहे हो। हुआ दादी, आप जरा देखिए इसमें माया की फोटोज है क्या।
पर माया की फोटो रुद्रा के साथ कैसे होगी? दरअसल हमें सुराग मिला है कि रुद्र जी और माया एक दूसरे को कॉलेज के वक्त जानते थे। तो हम बस पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्यों जानते थे एक दूसरे को, क्या रिश्ता था दोनों के बीच। एक काम कीजिए, आप इसमें फोटो ढूंढते रहिए, हम जरा देखकर आते हैं इसके अलावा भी कुछ मिलता है तो। लो, तुम देख लो पहले। लो जी जी, हम भी कुछ ढूंढते हैं। तुम उधर जाओ, हम इधर जाते हैं। हाँ ठीक है। अब हमारी मदद करनी होगी, वक्त नहीं हमारे पास। नहीं होने देंगे हम आपको, वादा करते हैं आपसे रुद्र जी, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। इंतजार किया है हम दोनों ने इस पल का, और अब ये जब पल आया ना, तो मैं इसे हासिल करके ही रहूंगी। तुम देखना रोन, अब जो हम एक हुए ना, तो फिर कभी अलग नहीं होंगे। इसीलिए मैं काली शक्ति वाली चुड़ैल के पास जा रही हूँ। तुम अपना ध्यान रखना, आराम करो, तुम्हें आराम की जरूरत है।
पापा पापा देखा दादू, इससे तो क्लियर हो गया है कि माया और रुद्र जी कॉलेज के वक्त एक दूसरे को जानते तो थे। अब हम माया के घर पर जाकर ही सच का पता लगा सकते हैं। आखिर हुआ क्या उन दोनों के बीच में कि माया ये सब कर रही है? आओ बच्चों, मम्मी। रुक तारा, तू कहाँ जा रही है? तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रुकेगी। हाँ दीदी, आप ना बुआ दादी और दादी के साथ रुकिए, दोनों बहुत ही परेशान हैं। दादू और हम चले जाएंगे। ठीक अवश्य। पापा जल्दी उठ जाइए, इससे पहले वो गंदी वाली आंटी आ जाए। जल्दी उठिए पापा, हमें जाना होगा। पापा उठो। मुझे किसी तरह देवरानी दीदी को बुलाना होगा। घर तो यही लोग यही यही लग रहा है। दीदी एक मिनट बचा, कहीं उनकी नाम की तख्ती तो लटक नहीं रही? पर वो एड्रेस से तो वो बोर्ड देखकर वही लगा हुआ है। ये पूछ लेते हैं। ठीक। नमस्ते। राम राम बहन जी। नमस्ते। जी हम पूछना चाहते थे कि ये क्या ये माया का घर है? सुनिए जरा, बाहर आइए। क्या हुआ? राम राम। नमस्ते। 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 ओ, हम माया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आप पहचानते हैं ने? माया के बारे में कुछ बता सकते हो? बस करो, संभालो अपने आप को। पता चला क्या मतलब? माया जिंदा है क्या? मेरी बेटी 15 साल पहले गायब हो चुकी है और आज तक लौटकर नहीं आई, लेकिन उसकी माँ आज भी उसके लौटने के इंतजार में बैठी है। लेकिन आप लोग माया के बारे में क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को माया से क्या काम है? वो एक्चुअली हम माया के बारे में कुछ जानते हैं जो शायद आपको हम पर यकीन नहीं होगा, लेकिन ना अगर ये फोटो देखकर आपको कुछ याद आ रहा है तो प्लीज बताइए हमें। यही है वो कमीना, किसी ने मारा होगा मेरी बेटी को। ये यही है मेरी बेटी का कातिल। पहले इसने मेरी बेटी को अपने झूठे प्यार के नाटक में फंसाया और फिर पता नहीं क्या कर दिया उसे। इसे मिले में गई थी मेरी बेटी आखिरी बार, फिर लौट कर नहीं आई। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। देखिए
ये माया जो है ना उसने अब प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, मेरे जख्मों को मत कुरेद दिए, जाइए आप यहाँ से। अरे लेकिन माया ने हमारे पति और एक छोटी सी बच्ची को किडनैप किया है, हम उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपसे पूछ रहा है। आपको अगर कुछ भी बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी 15 साल पहले मर चुकी है, अब निकल जाओ यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना। चलो क्या करे दादू? उसे घर में देर है बचवा, अंधेर नहीं। रुद्र जी और खुशी को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए माता रानी।